साडा चैनल वेखण वाले सारे वीर भैणों साडी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज असी तुहाड़े लई न्यू अमृतसर 340 एकड़ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की कॉलोनी के अंदर 100 गज की कोठी लैके आए हैगे। 3 BHK कोठी हैगी जी, बहुत ही वधिया कोठी तैयार की गई जी। 3 BHK हैगी जी प्रोपर। ये अंदर तुम देखो कि मॉडलर किचन आप जी ने बना के दी जा रही है। प्रोपर डिजाइन है, डाउन सीलिंग का काम किया गया, विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। बहुत ही सोहना इस कोठी का इंटीरियर किया गया, लेआउट हैगा जी। बहुत ही अच्छे मटीरियल के नाल कोठी तैयार की गई है। 45 फुट रोड से कोठी लोकेटेड हैगी जी। न्यू अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की कॉलोनी हैगी जी, काफ़ी संघनी आबादी वाली है कॉलोनी हैगी जी। सरकारी कॉलोनी है, हरेक तरह की फैसिलिटी आप जी ने इस कॉलोनी के अंदर ही मिल जाएगी। अगर तुम कच्ची सोसायटी के अंदर अपना घर बनाना चाहते हो तो अज की ऑप्शन असं तुहाडे लई लैके आए हैगे हैं। काफ़ी अच्छी वड्डी खुली डुली कोठी तैयार की गई है। काफ़ी अच्छे रेटा से कोठी आप जी ने मिल जाएगी, बैंक का लोन भी मिल जाएगा। आओ कोठी आप जी ने अंदरों चैक करवाने हैं। कार के अंदर एंटर करते कार पार्किंग स्पेस दी गई, एक साइड से वॉशिंग एरिया दिता गया, एक छोटा जहा गार्डन आप जी ने अंदर बना के दिता जा रहा है। पूरे गार्डन एरिया तुम देखोगे तो लोहे की ग्रिल की फेंसिंग करके दी जा रही हैगी है। मेन एंट्रेंस से 9 फुट का गेट लगाया गया है। बड़े आराम के नाल तुम अंदर अपनी वड्डी गड्डी पार्क कर सकते हो। आओ आप जी ने घर अंदरों चैक करवाने हैं। पूरे घर के अंदर तुम देखोगे 8 फुट के चौखट दरवाजे लगाए गए ने, वीनियर किया गया, पॉलिश की गई है। कार के अंदर एंटर करते सब तो पहले तुम देखो काफ़ी अच्छी वड्डी लॉबी की स्पेस हैगी जी। इतनी स्टेयरकेस उपर फर्स्ट फ्लोर ली जा रही है। बहुत ही सोहनी डाउन सीलिंग का काम किया गया, पूरी डिजाइनर विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। लॉबी एरिया अंदर बड़े आराम के नाल अपना डाइनिंग एरिया कम सिटिंग एरिया बना सकते हो। काफ़ी अच्छी वड्डी स्पेस दी गई है। बहुत ही सोहना इस घर का इंटीरियर करवा सकते हैं। क्यों सामने तुम देखो आप जी ने वड्डी ओपन किचन भी बना के दी जा रही है। स्टेयरकेस के नीचे टीवी पैनल बनवा सकते हो। आओ आप जी ने किचन एरिया चेक करवाने हैं। काफ़ी अच्छी वड्डी किचन बनाई गई है। सामने रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो दी गई है। बोथ साइड आप जी ने काउंटर बना के दिता जा रहा है। किचन के अंदर आप जी ने पूरा लक्कड़ का काम करके दिता जा रहा है। सारी इनोटेक फिटिंग लगाई गई है। फ्रिज की अलग तो स्पेस आप जी ने दी गई है। घर के बाहर 45 फुट की रोड है। इस कॉलोनी के अंदर आप जी ने गैस पाइपलाइन भी मिलेगी, सरकारी पानी मिलेगा, हरेक तरह की फैसिलिटी मिलेगी। पूरा यह मॉडुलर किचन आप जी ने तैयार करके दिता जा रहा है। लॉबी एरिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी वड्डी स्पेस हैगी जी। इस तो अलावा ग्राउंड फ्लोर से आप जी ने मास्टर बैडरूम बना के दिता जा रहा है। बैडरूम का तुम साइज चैक करो, काफ़ी अच्छे वे साइज़ का बैडरूम हैगा जी। रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो हैगी जी। इस तो अलावा तुम देखोगे तो एक आप जी ने कटआउट दिता जा रहा है जिसे तुम अपनी पूरी अलमारी बनवा सकते हो। कमरे अंदर डाउन सीलिंग का काम किया गया, कंसील लाइट लगाई गई है। AC की आप जी ने वायरिंग करके दी जा रही हैगी है। इस तो अलावा आप जी ने तुम देखोगे तो डिश एंटीना की भी वायरिंग अलग तो करके दी जा रही है। इस एरिया तुम अपनी पूरी अलमारी बनवा सकते हो। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ का रूम है, बड़े आराम के नाल पूरा फर्नीचर अंदर सैट कर सकते हो। इस तो अलावा आप जी ने ड्रैसिंग एरिया अलग तो बना के दिता जा रहा है जी। रोशनी वेंटीलेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। इस एरिया तुम चाहो तो अपना वाशिंग एरिया तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तुम ये अंदर प्लांट लगा के ग्रीन एरिया वांग भी डेवलप कर सकते हो। आओ आप जी ने ड्रैसर एरिया दिखाने हैं। ये अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। फुल हाइट की वार्डरोब तुम बनवा सकते हो। इस दे नाल ही आप जी ने काफ़ी अच्छा वड्डा बाथरूम तैयार करके दिता जा रहा है। ये अंदर पूरी डिजाइनर वॉल टाइल फ्लोर टाइल लगाई गई है। पूरी बाथरूम की फिटिंग आप जी ने लगा के दी जा रही है। काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है पूरा बाथरूम हैगा जी। पूरी डिजाइनर फिटिंग ये अंदर लगाई गई है। बहुत ही सोहनी वैनिटी लगाई गई है। प्रॉपर ये अंदर वेंटीलेशन का भी ध्यान रखा गया है जी। सानू पूरी उम्मीद है कि साड़ी दी इन्फॉर्मेशन आप जी ने काफ़ी अच्छी लगती होगी। कृपा करके साडे चैनल में सबसक्राइब करो, अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी बैल आइकन प्रेस करो, लाइक एंड शेयर करो। इसे तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो से अपने क्लाइंट ही लेके आते रहने ताकि अच्छी तो अच्छी प्रॉपर्टी वेख पान और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर पान। साडा चैनल यूट्यूब फेसबुक दोनों जगह पर प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो। 3 फुट वाइड स्टेयरकेस है, ग्रेनाइट मार्बल लगाया गया, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई गई है। फर्स्ट फ्लोर से एंटर करते सब तो पहले काफ़ी अच्छी वड्डी लॉबी की स्पेस आप जी को मिलेगी। बहुत ही सोहनी ओनेक्स फिनिश की सारी फ्लोर टाइल लगाई गई है। डाउन सीलिंग का काम किया गया, डिजाइन ये अंदर बहुत ही सोहने बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छी वड्डी लॉबी है, बड़े आराम के नाल इत्थे तुसीं अपना सिटिंग एरिया बना सकते हो। इत्थे लाउंज एरिया बन सकता हैगा जी। इत्थों ही स्टेयरकेस उपर टॉप टैरेस लई भी जा रही हैगी है। आओ आप जी नूं बैडरूम एरिया चैक करवाने हैं। फर्स्ट फ्लोर से 2 बैडरूम अटैच बाथरूम दिते गए ने। सारे चौखट दरवाजे तुसीं देखोगे तो विनियर लगा के पॉलिश किए गए ने। आ तुसीं फ्रंट वाला बैडरूम चैक करो, सामने रोशनी वेंटीलेशन लई विंडो दिती गई है। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ के कमरे तैयार किए गए ने। बड़े आराम के नाल रूम के अंदर तुम अपना डबल बैड, साइड टेबल, एक अलमारी, टीवी पैनल सारा कुछ बनवा सकते हो। काफ़ी अच्छी वड्डी स्पेस दी गई है। एक कमरे के नाल ही अटैच आप जी ने बालकनी और एक बाथरूम बना के दिता जा रहा है। कार के अंदर सारा क्वालिटी का मटीरियल लगाया गया जी। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूरा घर तैयार किया गया। आओ आप जी ने बाथरूम एरिया चैक करवाने हैं। फ्लोर से तुम देखो वुडन पैटर्न की टाइल लगाई गई है। सामने बहुत ही सोहनी वैनिटी लगाई गई है।
मार्बल फर्निश की वॉल टाइल लगाई गई हैगी। पूरी बाथरूम फिटिंग आप जी ने इहदे अंदर इंस्टॉल करके दी जा रही है। रोशनी वेंटीलेशन लई रोशनदान दिता गया है। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ के पूरे डिजाइनर बाथरूम आप जी ने तैयार करके दिते जा रहे हैगे ने। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारी तैयारी की गई है। अगर आप जी किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा घर लैना चाहते हो तो आज जी ऑप्शन असं तुहाडे लई लैके आए हैगे आ। काफ़ी अच्छे रेटा से आज जी ऑफर हैगी जी। बड़ा ईजीली इहदे उपर आप जी ने बैंक का लोन भी मिल जाएगा। आओ आप जी ने बालकनी एरिया भी चेक करवाने हैगे हैं। तुम देखो ये छोटी बालकनी एरिया दिता गया, बाहर जाली का गेट लगाया गया, बाहर तुम देखोगे टफन ग्लास की रेलिंग आप जी ने लगा के दी जा रही हैगी है। कार के बाहर 45 फुट की रोड है, कोई पार्किंग का इशू नहीं है। बहुत ही अच्छी सोसायटी के अंदर आज असं ऑप्शन तुहाडे लई लैके आए हैगे हैं। न्यू अमृतसर के अंदर अगर तुम प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो साडे नाल कॉन्टैक्ट करो। साडे कोल हरेक तरह की प्रॉपर्टी हैगी जी। 50 गज का, 75 गज का, 100 गज का, 150, 200, 250 गज की कोठियां तैयार है। इस तो अलावा आप जी को फ्लैट भी मिल जाएंगे। ये अंदर आप जी लो बजट तो लैके हाई बजट तक की हरेक तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी। तुम ये बैक साइड वाला बैडरूम देखो, रोशनी वेंटीलेशन लई विंडो दिती गई हैगी जी। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ का आ भी बैडरूम हैगा जी। ये अंदर भी डाउन सीलिंग का काम किया गया, कंसील लाइट हैगी जी। स्प्लिट एसी की वायरिंग आप जी को करके दी जा रही है। इस कमरे के अंदर भी आप जी ने अलमारी के लिए अलग तो एक कटआउट भी बना के दिता जा रहा है जी। बड़े आराम के नाल इहदे अंदर बहुत ही सोहना तुसीं इंटीरियर का काम करवा सकते हो। काफ़ी अच्छी वड्डी स्पेस हैगी जी। कोठी के अंदर बहुत ही वड्डे खुले खुले कमरे बनाए गए हैं। बड़े आराम के नाल सारी फर्नीचर तुसीं सैट कर सकते हो। ये कमरे के नाल भी अटैच आप जी ने ड्रैसर एरिया और एक वड्डा बाथरूम बना के दिता जा रहा है। ड्रैसर एरिया के अंदर तुसीं अपनी फुल हाइट की वार्डरोब बनवा सकते हो। काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी गई है। ये नाल ही अटैच आप जी को काफ़ी अच्छा वड्डा डिजाइनर बाथरूम भी बना के दिता जा रहा है। घर के अंदर तुसीं देखोगे तो 3 बाथरूम ने, तो 3 ही अलग थीम के उपर तैयार किए गए हैं। बहुत ही सोहने ये अंदर तुसीं देखोगे बाथरूम फिटिंग वैनिटी वगैरह लगाई गई है और डिजाइनर पूरी वॉल टाइल फ्लोर टाइल लगाई गई है। बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन सारे बाथरूम तैयार किए गए हैं। बहुत ही अच्छे साइज़ के बाथरूम हैगा जी। पूरी बाथरूम फिटिंग लगाई गई हैगी है। इस तो अलावा रोशनी वेंटीलेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। सानू पूरी उम्मीद है कि कोठी आप जी को बहुत ही सोहनी लगेगी। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आप जी लेना चाहते हो साढ़े नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। न्यू अमृतसर के साढ़े को काफ़ी अच्छी ऑप्शन रेडी है। आज की ऑप्शन 100 गज की हैगी जी। 3 BHK कोठी हैगी जी। 45 फुट की रोड के उपर लोकेटिड हैगी जी। लोकेशन न्यू अमृतसर हैगा जी। इंपरूवमेंट ट्रस्ट की कॉलोनी हैगी जी। 340 एकड़ की कॉलोनी हैगी है। कॉलोनी के अंदर आप जी हरेक ब्लॉक के अंदर पार्कों मिलनगे। इस तो अलावा मार्केट कॉम्पलैक्स मिलने, 1 वड्डी 7 एकड़ की पार्क हैगी जी। इस अलावा कॉलोनी के मेन एंट्रेंस से SCO भी है जिद अंदर आप जी रेस्टोरेंट, कैमी शॉप, हॉस्पिटल और काफ़ी अदर फैसिलिटियाँ ये अंदर ही मिल जाए ने। बैंक हो गए, इस तो अलावा जिम एरिया हो गया, ये सारे तुहाडे घर के काफ़ी नज़दीक हैगा है। बहुत ही अच्छे मटीरियल नाल पूरी प्रॉपर्टी तैयार की गई है। तुसी आ देखो मॉन्टी एरिया के अंदर भी आप जी स्टोरेज स्पेस मिल रही है। स्टील का बार गेट लगाया गया है जी। टॉप टेरस से तुसी देखो वाटर प्रूफिंग करके टाइल लगाई गई है। डक्ट एरिया कवर किया गया। कॉलोनी के अंदर सरकारी पानी आता जी। इस तो अलावा आप जी गैस पाइपलाइन की फैसिलिटी भी इस कॉलोनी के अंदर उपलब्ध हैगी है। घर के नज़दीक ही काफ़ी अच्छे वड्डे स्कूल हैगे ने। इस तो अलावा मॉल हैगा जी, होटल हैगे ने। बहुत ही अच्छी सोसाइटी के अंदर आज की ऑप्शन असं तुहाडे लई लैके आए हैगे आ। अमृतसर के अंदर अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो तो तुम साढ़े नाल कॉन्टैक्ट करो। अपने घर की फ्री एड लाने भी तुम साढ़े नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आओ आप जी ने कॉलोनी का पूरा ड्रोन व्यू चैक करवाने हैगे। 340 एकड़ की कॉलोनी हैगी जी। ये अंदर तुम देखो कितनी संघनी आबादी रहती हैगी है। तो अच्छे एरिया के अंदर आज असं तुहाडे लई ऑप्शन लैके आए हैं। हरेक तुम देखो ब्लॉक के अंदर पार्कों की फैसिलिटी आप जी को दी जा रही हैगी है। पार्किंग का कोई इशू नहीं है। काफ़ी अच्छी चौड़िया सड़कों ने। मार्केटा तुहाडे घर के नज़दीक है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की सरकारी कॉलोनी जी, GT रोड के उपर लोकेटिड हैगी जी। एक ही यदि एंट्रेंस एग्जिट हैगा जी। तुम आ मेन एंट्रेंस देखो 100 फुट की रोड हैगी जी। कॉलोनी के अंदर तुम देखोगे तो ग्रीनरी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। SCO है हरेक तरह के। तुम देखोगे शॉपिंग कॉम्पलैक्स ये अंदर तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्राइम सोसायटी हैगी है। न्यू अमृतसर के अंदर वड्डी तो लैके छोटी कोठियां लैन लई तुसीं साढ़े नाल कॉन्टैक्ट करो। इस अलावा फ्लैट SCO दे लई भी तुसीं साढ़े नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साढ़े कोल काफ़ी अच्छियां ऑप्शन हमेशा तैयार रहिंदियां ने। साढ़े दित्ती इनफॉर्मेशन तुसीं अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों नाल भी शेयर करो ताकि उन्हां नूं अच्छी तो अच्छी प्रॉपर्टी के बारे पता लगे। साडा मेन ऑफिस इत्थे न्यू अमृतसर हाउसवेड कॉम्पलैक्स के अंदर ही हैगा। उत्थे भी तुसीं विजिट कर सकते हो। सेल परचेज लई मिलो। इस अलावा अपना नवा घर तैयार करने लई साढ़े नाल कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।